तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक काफी अहम हो जाती है। ये बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे और इस लिहाज से क्योंकि कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी जिसमें G20 की मेजबानी को लेकर के भी संसदीय दल की बैठक में चर्चा होगी और काफी अहम ये बैठक हो जाती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और जिस तरीके से इस वक्त जो तमाम मुद्दे छाए हुए हैं इसमें पीएम मोदी, आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक, और जब संसदीय दल की बैठक होती है तो ये काफी अहम हो जाती है। संसद भवन परिसर में ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी। कुछ देर में पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा लोकसभा के तमाम सांसद इस बैठक में शामिल होंगे जिसमें कई मुद्दे छाए रहेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा G20 की मेजबानी को लेकर के बैठक में चर्चा होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में, और गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं संसद भवन में। ये तस्वीरें आप देखिए, और संसद सत्र भी चल रहा है, ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। और ये आप देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे और यहां पर देखिए लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी पहुंचे हैं संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। संसद भवन परिसर में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह को भी हमने देखा। मेरे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन में, गृहमंत्री भी पहुंचे हैं, और संसदीय दल की जो बैठक होने वाली है ये काफी अहम हो जाती है, क्या क्या मुद्दे इसमें छाए रहेंगे? देखिए, पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं और कुल मिलाकर गुजरात चुनाव में जो बीजेपी को जो जीत मिली है, इसके अलावा G20 सम्मेलन जो होने वाला है इसको लेकर यहाँ पर सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और इसके अलावा उनको मंच देंगे। और जिस तरीके से गुजरात चुनाव में पार्टी ने जीत हासिल की है, संगठन को मजबूत करके, उसकी बारीकियां बताएंगे, क्योंकि इस बैठक का खासा महत्व इसलिए रहा कि जैसे ही बैठक शुरू हुई गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल का स्वागत किया गया और बकायदा उनके नाम की घोषणा करके सारे सांसदों ने तालियों के साथ अभिवादन किया, बारे में संबोधित किया गया, और उसके बाद सारे सांसदों ने एक साथ उठकर ताली बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और यही उद्घोष लगाया गया पीएम मोदी का स्वागत है। कुल मिलाकर किस पार्टी जिस मजबूती के साथ गुजरात में आगे बढ़ी है उसका एक एक बात वो सांसदों तक पहुंचाई जाए, और इसी मंत्र के साथ आने वाले दिनों में संगठन के साथ पार्टी जाए, ये बातें पीएम सांसदों को बताएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज G20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन किस तरीके से जन जन तक परिलक्षित हो, कैसे वह लोगों तक पहुंचे, उसकी बातें कैसे पूछ, भारत की ख्याति कैसे लोगों तक पहुंचे, यह बातें पीएम मोदी सांसदों को बताएंगे, कैसे जनता के बीच में G20 सम्मेलन आयोजन, उसकी मेजबानी की उपलब्धि, मेजबानी की बारीकी, भारत के गौरव बातों को लेकर। अमित पांडे मेरे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए, ये जो बैठक है इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सबसे अहम जो गुजरात में प्रचंड जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है जिसने रिकॉर्ड के रिकॉर्ड तोड़े, उसको लेकर के जीत का मंत्र यहाँ पर पीएम मोदी सांसदों को देंगे। इसका मकसद यह है कि जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं उसको कैसे पार करना है। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता को लेकर के भी इसमें चर्चा होगी।